Good morning, dear friends, and greetings to all of you in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज की सुबह आप सबका स्वागत करता हूँ. So nice to be with you for these few minutes. और कुछ क्षण मैं आपके संग इस समय को बिता रहा हूँ, ये आनंद की बात है. We are beginning our day by being silent in the presence of God and hear His voice. और हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में शांति बने रहने के द्वारा. Today I would like to give a meditation on Psalm number 46, verse 10. और आज की सुबह मेरा मनन होगा भजन 46 और उसका 10वां वचन. This passage says, "Be still and know that I am God." और इस वचन में लिखा है, चुप हो जाओ या शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ. There are three things I want to say about this. और इस वचन के बारे में तीन ऐसी बातें हैं जो आज की सुबह मैं आपसे बताऊंगा. And under each point, और हर एक बात के भीतर, there are three things about it. और उस बात के प्रति तीन और बातें हैं. So I will not give any explanation. और इसलिए कोई आगे बढ़कर मैं बहुत गहरी रीति से नहीं समझाऊंगा. Because this is simple. क्योंकि ये साधारण है. First of all, it is a declaration. और याद रखिए कि ये वचन, ये घोषणा है. Be still and know that I am God. शांत रहो और ये जान लो कि मैं परमेश्वर हूं. And it is a declaration, I am God. और ये घोषणा है कि मैं परमेश्वर हूं. And this statement is a revelation of himself. और याद रखिए ये वाक्य अब उस परमेश्वर के अपने प्रकाशन की एक घोषणा है. What is the revelation? और वो प्रकाशन क्या है? Number one, पहली प्रकाशन, God is a refuge. कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है. It is a revelation of himself as a helper. और ये प्रकाशन है कि वो हमारा सहायक है. And it is a revelation of himself as a conqueror. और ये प्रकाशन है कि वो विजयी है. Verse 9. नवावचन. There is no power that he cannot conquer. और याद रखिए ऐसा कोई भी शक्ति या सामर्थ्य नहीं जिसके ऊपर प्रभु परमेश्वर विजय ना पाए. No authorities, no kingdoms is there which he cannot conquer. और कोई अधिकार या कोई ऐसा राज्य नहीं जिसको वो हरा कर उस पर विजय ना पा सके. And secondly, दूसरी बात, this verse also is an exhortation. और ये वचन एक बात की घोषणा होने के बाद साथ ही साथ एक बात को बताता है, वर्णन करता है. What is the exhortation? वो वर्णन क्या है? Know that I am God. इस बात को जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ. How? कैसे? By believing in him. उसमें विश्वास करने के द्वारा. And by yielding to him. और उसके प्रति खुद को देने के द्वारा. And by serving him. और उसकी सेवा करने के द्वारा. And that is the way you honor him as the one who is God. और इसी प्रकार से आप उसका आदर करते हैं एक ऐसे के रूप में जो परमेश्वर है. And the third declaration is. और तीसरी घोषणा ये है. It is also a declaration of a consolation. और ये इस बात की घोषणा भी है कि हाँ कुछ अद्भुत और अलग हुआ है. कंसोलेशन, कंसोलेशन मींस कंफर्ट. और सद्भावना देने की घोषणा. बिकॉज इट्स एट द एंड ही सेज बी स्टिल. क्योंकि अंत में वचन में लिखा है कि शांत हो जाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्टिल कंसर्निंग योर पास्ट. शांत हो जाओ अपने भूतकाल को लेकर. अपोस्टल पॉल से पॉलुस प्रेरित कहता है, फॉरगेटिंग the things that are behind. उन बातों को भूल कर जो पीछे थी. Don't keep on remembering and meditating on the past. और कृपया करके पूछी जो बातें बीत गई उनको याद करते ना रहे, उन पे मनन ना करते Because रहे. Now you are free. क्योंकि अब तो आप आजाद हो चुके हैं. Curse is gone. और वो श्राप जा चुका है. Guilt is removed. और वो दोष आपके भीतर से निकाल and दिया गया है. Forgiven. और पाप क्षमा कर दिए गए and हैं. We are reconciled to God. और हम परमेश्वर के संग हमारा मेल मिलाप हो चुका है. You are now an adopted son. और अब आप परमेश्वर के गोद लिए गए बेटे और बेटियां हैं. You are an adopted daughter. और आप एक गोद लिए गए बेटी हैं. Secondly, दूसरी बात, be still concerning the present. और परमेश्वर वर्तमान को लेकर के शांत बने रहो. Why? क्यों? His grace is sufficient. क्योंकि उसका अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है. And then he is able to supply every need. और वो योग्य है कि आपकी हर एक जरूरत को पूरा कर दे. And then, और उसके पश्चात, he is able to keep you from falling. और वो योग्य है कि आपको गिरने से बचाए.
Hallelujah. Hallelujah. That means the falling from your faith. और इसका मतलब है आपके विश्वास से गिरने से आपको बचाए. Falling from your salvation. आपके उद्धार से आपको गिरने से बचाए. God is able to keep you. और परमेश्वर योग्य है कि आपको बचाए रखे. In your salvation. आपके उद्धार में. And from falling. और आपको गिरने से बचाए. He may not save you from the fire. और याद रखिए वो आपको आग से ना बचाए. But he walks with you in the fire. लेकिन वो आपके साथ उस आग में चलेगा. Wonderful God. अद्भुत परमेश्वर. And that means he saves you inside the fire. और इसका मतलब ये है कि वो आग के बीच में आपको बचाता है. And when you go through difficulties of life, और जब आप जीवन की कठिनाइयों से होकर के निकलते हैं, he is not only with you, और वो ना केवल आपके साथ है, but he walks with you, लेकिन वो आपके संग चलने वाला परमेश्वर. And lastly, और अंत में, be still concerning the future, और भविष्य को लेकर के शांत हो जाओ. Why? क्यों? Because this God, क्योंकि ये परमेश्वर, if you follow him, अगर आप उसके पीछे चलते हैं, he does all things well. वो हर एक बात को अच्छा करता है. And then as the Bible says, और जैसे वचन में लिखा है, all things work together for the good of them who love him. हर एक वो बात उनकी भलाई के लिए कार्य करती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं. Romans 8:28. और रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 28वां वचन. Therefore, इसलिए, the psalmist says, और भजन रचने वाला कहता है, be still and experience these blessings. और शांत हो जाओ और इन आशीषों का अनुभव करो. And the Lord is with you. और परमेश्वर तुम्हारे संग है. This is the word of the Lord for you today. और आज के दिन ये परमेश्वर का वचन है आपके लिए. Don't let your heart be troubled and disturbed and you become restless and aimless. और होने दे आपके हृदय घबराए ना और आप भय में ना आए. Because the Lord God Almighty whom you believe and follow. क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं और जिसके पीछे चलते हैं, he knows everything. वो हर एक बात को जानता है. And he knows you. और वो आपको जानता है. And he knows your name. और वो आपके नाम को भी जानता है. Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है? God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. He is a good God. वो एक भला परमेश्वर है. Father in heaven, स्वर्ग पिता, thank you for your mercies. धन्यवाद तेरी दया के लिए. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. I pray that you bless your people with the filling of the Holy Spirit. तू अपने लोगों को अपनी पवित्र आत्मा की बहुतायत और भरपूरी से भर दे. That the Holy Spirit may enlighten them. ताकि पवित्र आत्मा उनका प्रकाशन दे. Open their eyes to see the truth of your word. ताकि उनकी आँखों को खोले ताकि वो तेरे वचन की सच्चाई को देखने पाएं. And that they may live by the truth of your word. और तेरे वचन की सच्चाई के अनुसार जीने पाएं. And experience the joy of walking with the Lord. और तेरे संग चलने का जो आनंद है उसका अनुभव करने पाएं. Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you, dear friends. परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रिय मित्रों. Remember, he is with you. और याद रखिए वो आपके साथ है. आमीन.